नमस्कार, मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। एनडीए गठबंधन भाजपा के 14 सहयोगियों के पास 53 सीटें। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने के अगले दिन ही बुधवार को एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को नेता चुना। पीएम आवास पर हुई बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया, हमें गर्व है कि एनडीए के चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ा और जीता। बैठक में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे सहित 14 दलों के 21 नेता थे। नायडू और नीतीश के साथ मोदी ने अलग से भी बैठक की। माना जा रहा है कि दोनों ने गठबंधन जारी रहने का आश्वासन दिया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, पार्टी को 240 सीटें मिली है, ये बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम है। ऐसे में वह 14 सहयोगी दलों के 53 सांसदों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार चलाएगी। इसमें चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों पार्टियां चाहती हैं कि सीटों में बड़ी भागीदार होने के नाते उन्हें उसी हिसाब से कैबिनेट में भी हिस्सेदारी दी जाए। खबर है कि इस बार जेडीयू की निगाह रेलवे कृषि मंत्रालय के साथ बिहार के लिए विशेष पैकेज पर है। वही टीडीपी लोकसभा स्पीकर, तीन बड़े मंत्रालय और विशेष राज्य का दर्जा चाहती है। सूत्रों ने बताया कि 7 जून को मोदी को भाजपा संसदीय दल एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश होगा। शपथ ग्रहण 8 जून को हो सकता है। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया है। लगातार तीसरी बार उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। हालांकि इस बार उनकी कैबिनेट बिल्कुल नई नजर आएगी। इसमें 40 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। 8 जून को शपथ ले सकते हैं मोदी। नए मंत्रिमंडल की भी शपथ भी संभव। सूत्रों के मुताबिक 7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सांसदों की बैठक होगी। इसके बाद मोदी शाम 5 से 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे। 8 जून को मोदी सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस दौरान उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। पीएम मोदी ने बुधवार को दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। साथ ही उनसे वह मंत्रिमंडल से अनुरोध किया कि वे नई सरकार के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहे। 83 दिन बाद आज हटेगी आचार संहिता, अब रफ्तार पकड़ेगा प्रशासनिक कामकाज। आपको बता दें, प्रदेश में गत 16 मार्च से लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से प्रशासनिक कामकाज ठप है। सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पा रही है, सिर्फ रूटीन के काम हो रहे हैं। 83 दिन बाद गुरुवार को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी। सरकार के नए सिरे से जमावट करने का काम शुरू हो जाएगा और निर्माण एवं अन्य विकास कार्य शुरू किए जा सकेंगे। इसके साथ ही नए काम के लिए वर्क ऑर्डर जारी करने का काम भी शुरू हो जाएगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन का कहना है, गुरुवार को आदर्श आचार संहिता हट जाएगी। प्रदेश में 4 चरणों में हुई 29 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 13 मई को अंतिम चरण का मतदान होने का, चुनाव आयोग ने कई प्रतिबंधों को शिथिल कर लोगों को राहत पहुंचाने वाले काम चालू कराने की अनुमति दी थी, लेकिन सरकार कई मामलों में खुलकर फैसले नहीं ले पा रही थी। अब गुरुवार को आचार संहिता हटने के बाद प्रदेश में विकास कार्य और नीतिगत फैसलों को लेकर सरकार की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब गुरुवार के बाद डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कैबिनेट की बैठक भी की जा सकेगी। मार्च से आचार संहिता लगी होने से विभिन्न विभागों में कई जरूरी काम प्रस्ताव लंबित है, जिन्हें आने वाले दिनों में कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होने वाले विधेयकों के प्रस्तावों को भी कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। आम बजट में काम में भी तेजी आएगी। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वित्त मंत्री जगदीप देवड़ा अधिकारियों के साथ बजट की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेगी। जून में बढ़कर आएगी लड़की बहनों की 13वीं किस्त, इस दिन खाते में डलेंगे पैसे, अब जुड़ेंगे बचे हुए नाम। आपको बता दें, देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। अब मध्य प्रदेश की सभी लड़की बहनों को 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अगर आप भी इस योजना की लाभार्थी महिला है तो आपके लिए खुशखबरी है, लड़की बहन योजना की 13वीं किस्त जल्दी जारी होगी। जानकारी के मुताबिक 10 जून तक महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर दी जाए। क्या बढ़कर आएगी अगली किस्त? प्रदेश की 1,29,00,000 लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है, जून महीने की शुरुआत हो चुकी है और लड़की बहनों को अब 13वीं किस्त के 1,250 रुपये का इंतजार है। लड़की बहनों को अगली किस्त 10 जून तक खातों में जारी होगी। खबर है कि इस बार महिलाओं का खाता 1,250 रुपये से बढ़कर 1,500 रुपये आएंगे, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दरअसल सीएम मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान गुना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम एक योजना बंद नहीं करेंगे, लड़ली बहन योजना के तहत आपको पैसा मिलता रहेगा। चुनाव खत्म होने के बाद योजना में छूटे लोगों के नाम जोड़े जाएंगे।
₹3,000 देने का हुआ था वादा। इससे पहले एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा था कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम एक योजना बंद नहीं करेंगे, लड़ली बहना योजना के तहत आपको पैसा मिलता रहेगा। चुनाव खत्म होने के बाद योजना में छूटे लोगों के नाम जुड़े जाएंगे। हर महीने 10 तारीख को बहनों को बैंक खातों में राशि जमा हो जाएगी। यदि छुट्टी या अन्य किसी कारण से पैसा संभव नहीं हुआ तो पहले जमा हो जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने घोषणा की थी कि राशि धीरे धीरे बढ़ाकर ₹3,000 कर दी जाएगी। मानसून अगले एक दो दिन में महाराष्ट्र पहुंचेगा, भोपाल में प्री मानसून बरसा। आपको बता दें मानसून अगले एक से दो दिन के अंदर कर्नाटक के सभी हिस्सों को पार कर महाराष्ट्र पहुंच जाएगा। सामान्य रूप से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मानसून के पहुंचने की सामान्य तारीख 5 से 10 जून के बीच है। IMD का पूर्व अनुमान है कि अगले एक से दो दिन के अंदर मानसून कर्नाटक के बाकी हिस्सों को पार करके महाराष्ट्र के हिस्सों तक पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ व उड़ीसा तक पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। इधर भोपाल में प्री मानसून बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में बीते शहर के अलग अलग इलाकों में 1 इंच तक बारिश हुई है। इसका असर बुधवार को तापमान पर पड़ा। भोपाल में दिन का पारा 4.5 डिग्री गिरकर 36.5 डिग्री दर्ज किया गया। रात का पारा भी 5.4 डिग्री गिरकर 23.6 डिग्री रहा। सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगा इंडिया गठबंधन। आपको बता दें दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी आगे की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मंथन किया। हालांकि विपक्षी गठबंधन द्वारा सरकार बनाने के दावे पर संशय बरकरार है, लेकिन खड़गे ने यह स्पष्ट कर कहा है कि हम उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। ये बैठक 1.5 घंटे तक चली। इसमें 19 पार्टियों के 13 नेता शामिल हुए। बैठक में विचार विमर्श करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता भाजपा सरकार को नहीं चाहती है और इसलिए इंडिया गठबंधन द्वारा जनता की इच्छा को साकार करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने अच्छा संघर्ष किया, एकजुट होकर और दृढ़ता से लड़े। खड़गे ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन उन सभी दलों का स्वागत करता है जो हमारे संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। 10वीं 12वीं की परीक्षा में शामिल होंगे 2.25 लाख विद्यार्थी। गोपनीय सामग्री का आज होगा वितरण। आपको बता दें मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं पूरक परीक्षा में लगभग 2.25 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। 12वीं की परीक्षा 8 जून व 10वीं की 10 जून से शुरू होगी। दोनों परीक्षाओं के लिए माध्यमिक ने विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। वही गुरुवार 6 जून को समन्वय का संस्था मॉडल स्कूल से गोपनीय सामग्री का वितरण परीक्षा केंद्रों के लिए किया जाएगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं मुख्य परीक्षा के परिणाम बीती 24 अप्रैल को घोषित किए जा चुके हैं। 12वीं परीक्षा में केवल एक विषय व हाईस्कूल परीक्षा में 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों को पूरक परीक्षा की पात्रता प्रदान की गई है। मोदी 3.0 कैबिनेट में MP के कितने चेहरे। शिवराज सिंधिया और बीड़ी दौड़ में आगे 2 मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। आपको बता दें हिंदी फटे के राज्यों में भाजपा के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश ने दिया। बीजेपी ने न केवल सभी 29 सीटें जीती बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के वोट परसेंट में 27% का बड़ा अंतर भी देखने को मिला। अब सवाल यह कि मोदी कैबिनेट में MP के नेताओं को कितनी जगह मिलेगी। मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में तस्वीर पिछले 2 कार्यकाल से बदली हुई है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि आमतौर पर चुकाने वाले फैसले लेने वाले मोदी के पास इस कार्यकाल में इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। उन्हें पहले अपने दोनों सहयोगी दलों TDP और JDU को साधना होगा। इसके बाद 25 सीटों भाजपा के मंत्रियों को एडजस्ट करना होगा, इसलिए जो स्वाभाविक दावेदार है पहले उन्हें वरीयता मिलेगी। MP में किसी महिला को जरूर कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में MP से 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीनियर लीडर के तौर पर शिवराज सिंह चौहान मैदान में थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे 1991 से 2004 तक विदिशा से 5 बार सांसद रहे, अब 6वीं बार लोकसभा में पहुंचे हैं। वरिष्ठ पत्रकार AK सिंह कहते हैं कि इस लिहाज से मोदी कैबिनेट में शिवराज की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इसके उनके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री बनना लगभग तय है। वही प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का भी दावा बनता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा।